सड़कों का ये ताना बाना केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार के फौलादी इरादों का सबूत है, जिसके दम पर पहाड़ों में चट्टानों को काटकर हिमाचल प्रदेश में तरक्की की नई राहें खोल दी गईं। गांव-गांव को सड़कों से जोड़कर देश को उन्नति व समृद्धि की राह पर ले जाने के संकल्प के साथ 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत 3,125 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परियोजना राशि का 90% भारत सरकार वहन करेगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें से लगभग 19,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इसी योजना के तहत किया गया है। 10 साल की अवधि पूरी कर चुकी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा व पक्का करने के अतिरिक्त 200 मीटर तक की लंबाई के पुलों का निर्माण किया जाएगा। वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के तहत सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों पर ट्रैकिंग प्रणाली लगाई जाएगी। इससे सड़क निर्माण में उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। इसमें कम खर्च व पर्यावरण मित्र तकनीकों जैसे FDR बायो इंजीनियरिंग तकनीक, कोल्ड मिक्स तकनीक व सरफेस ड्रेसिंग आदि द्वारा सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़कों का सुदृढ़ नेटवर्क बन जाने से उन्नति व खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। स्थानीय उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछेगा। किसान बागवान भी होंगे खुशहाल। विकास पथ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयासों का प्रतिफल है कि केंद्र व हिमाचल की डबल इंजन सरकार सुखद बदलाव ला रही है।